हर साल देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी आस्था और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सबसे प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि पर आप भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी को बिलपत्र और बिलफल चढ़ाने से प्रसन्नता मिलती है, इससे धन की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करने से भी सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से मन शांत होता है, इससे आपके अंदर दया भाव बढ़ता है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से जीवन में कीर्ति वैभव बना रहता है और सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि को दिन में रात के समय शिव पुराण का पाठ करने से और सुनने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करने और व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है।